नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर में 35.5 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की नींव रखने पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह अपने बयान पर आज भी कायम हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आतंकवादियों को सजा मत दो, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पूरे भारत देश के लोग और हमारी पार्टी भारत सरकार के साथ खड़ी है। आतंकवादी देश का माहौल ख़राब नहीं कर सकते, और वहीं उन्होंने शो से निकाले जाने पर कहा कि उन्हें सोनी टीवी से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया, और जो बोल रहे हैं कि सिद्धू को शो से निकाल दिया गया तो वह कोई लेटर दिखा दें, और कहा कि विरोधियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। दीनानगर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोधियों पर भड़कते हुए कहा कि विरोधियों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए गुरदासपुर से विक्की मलिक की खास रिपोर्ट। एडे वड्डे प्रोजेक्ट दा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मेरे भैन जी अरुणा चौधरी। वेखो जे कोई आवाज़ बुलंद ना करे तो पुछदा नहीं, भैया चू चू ना करे तो ग्रीस कोई नहीं लाउंदा, जवाक रोवे ना माँ दुध पिउंदी। कल्ली ने लड़के अड़के आवाज़ चुके ये प्रोजेक्ट दीनानगर दे लियांदा है, और मैनू याद है कि ये 7 महीने पहला शुरू होने मैंने 100 बार इन्होंने याद कराया होना सानू कि दीनानगर के सीवरेज वास्ते जिहड़ा कि सब तो मुढ़ली चीज़ हैगी है, अज पंजाब सरकार वालों कैप्टन साहब वालों और मेरे डिपार्टमेंट वालों 37 करोड़ रुपया अज भैन जी के खाते दे विच आ गया, दीनानगर के खाते दे विच आ गया। कोई कुछ भी कही जाए तो कोई तूल हुंदा है, तुसी कोई सोनी टीवी वालों स्टेटमेंट सुनी है? यह जिहियां न्यूज़ां 200 बार चला चुके हैं, पहला भी चला चुके हैं, हुण भी चला चुके। जदों विधानसभा का सैशन सी, विधानसभा के सैशन दे विच मैं उत्ते नहीं जा सकता सी, ते उन्होंने दो शोज़ लई किसी होर नूं बुलाया, ठीक है, मेरे कोल या तुहाडे कोल कोई उन्हां वल्लों इंटीमेशन होवे, कोई उन्हां दी स्टेटमेंट होवे ते मैनूं दसो। हुण जे कोई धूड़ च टट्टू उड़ाई जावे उहदा तां मैं कोई इलाज नहीं कर सकदा ना, ते समझ मेरी गल समझ लो। ते इस गल नूं आपां इह कहदा जे उह सोनी टीवी वल्लों तुहाडे कोल कोई इंटीमेशन है या कोई, तुसीं जरूर चलाओ भाई, क्या विरोधी कौन कोई है ही नहीं, गल नूं समझ लै मेरी गल। कल भी परसों भी ते अज भी अपने बयान ते कायम आ कि अज चंद अत्तवादियां अगे घुटने टेक दी कि सरेंडर करिए कि इस दा इस देश दा विकास अमन शांति चार गुंडे पर देंगे। एक गल नूं याद, अत्तवादी दे नाल उहदे मनसूबे नूं मारन दी लोड़ है, और उहदा मनसूबा किदां मुड़दा है कि विकास दे चल इस देश इस सूबे दे विच अमान वो चलता रहे, और जिन्हां ने घिनौना काज किया उहनूं सज़ा याफ्ता किया जाए, कुचल दिता जाए, करदा कोई है तो मरदा कोई है। पाकिस्तान के दोषी नहीं है बंदे, मेरी गल सुन भाई, किसी गुरु गोबिंद सिंह दे सिख दी किसी गर्भवती माँ दे गर्भ दे विच पए बच्चे नाल दुश्मनी हो सकती है? किसी 90 साल के बजुर्ग नाल जिन्हां ते बंब चलते हैं अंतां विछियां होंदियां कौन होंदे ने, देखिया कदे उन्हें तेरी दुश्मनी हो सकती है? किसी 2 साल के बच्चे की किसी नाल दुश्मनी हो सकती? जिन्हां ने यह किया वो 20 साल दे फिरते है, कौन छड़ गया सी उन्होंने? पार्टी का एक स्टैंड है, मैं उस स्टैंड के उत्ते अटल खड़ा, हूँ कोई उन्होंने घुमाई फिरी जाए वो मेरा कसूर तो नहीं। मैं कित्थे कहा भी अत्तवादी नूं सजा ना दिओ, किहड़ी थां दे उत्ते कहा, और किनू कहा, किसी का नाम लिया? मैं जिन्होंने किया उन्होंने सख्त तो सख्त ऐसी सजा दिओ कि पीढ़ियां देखण, पीढ़ियां दहल जाण, लेकिन करदा कोई है ते मरदा कोई है ये मंजूर नहीं। विरोधी कह रहे सी, मैं कह विरोधियों का की है, विरोधियों के पल्ले की है की ने, समझ नहीं गल नूं समझ। अपनी पीढ़ी थले सोटा, मैं इन्हां नूं की जवाब, मैं इन्हां नूं जवाब दईआं, पंजाब के लोगों जवाब दईआं। मैं क्या कहता विरोध हो रहा, 10 बंदे खड़ के अंब के पेड़ के रोड़े वजदे निम्म दे, फिर पिछे तो पाकिस्तान सरकार दा। मैं कहना जिहदा भी हत्थ है उन्हूं ठोक दिओ, उन्हूं रोक दिओ, मेरी गल नूं समझ लो। कौन है वो जिन्हें ये ओन अप किया? लियाओ करो जंग, लेकिन मेरी गल नूं समझो कि मैं किते भी नहीं कहा कि अत्तवादी ना कुचलो, अत्तवादियों नूं सज़ा ना दिओ। अत्तवादी दी नहीं कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई ईमान है, समझे नहीं।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ